अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स लाया हूँ जिसको पढ़ के समझ के इंशाल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। एक डेली लाइफ का टर्म है, हम बार बार यूज़ करते हैं, खासकर जब 9 से 12 तक इंसान बंदा जाते हैं तो ज़्यादा यूज़ करते हैं उस टर्म। तो उसकी मदद से मैंने एक फार्मूला बनाई है और उसकी मदद से उर्दू जान कर रहे इंशाल्लाह उस बेस पर मैंने एमसीक्यू वाले ट्रिक्स बनाई है। तो उसको आप इंशाल्लाह भूल नहीं पाओगे और वो इस चीज़ से जो मैंने बनाए हैं बहुत ज़्यादा एक केस में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं, रिपीट होते हैं हर साल। अगर हर साल ही 2 साल बाद तो उसमें एमसीक्यूज आते रहते हैं। अच्छा, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। शुक्रिया। अच्छा, तो हम आ चुके हैं बुक्स के। तो ये है केपीके के फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। अभी तो कोर्स चेंज हुआ है, न्यू कोर्स आया है, लेकिन सिर्फ इसको कोर्स चेंज किया है न्यू बुक्स में, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो एनिमेलिया चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, केपीके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की। जो मैंने ट्रिक बनाई है तो इसके लिए बनाई, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टेलिया और क्लास मेमेलिया के लिए मैंने ये जो ट्रिक्स बनाई है। मैंने आपको कहा था कि डेली लाइफ के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये यूज़ किया है, बहुत ही इजी है। इंशाल्लाह आप इसको भूल नहीं पाओगे, जब भी एमसीक्यूज आएगी तो इंशाल्लाह उसको याद करके आप दुआ देंगे मुझे। तो ये क्लास एम्फीबिया है, ये क्लास रेप्टेलिया और क्लास मेलिया। तो इसके जो हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो इसके जो डिवोनियन पीरियड में कौन थे और मीसोजोइक पीरियड में, सेनोजोइक पीरियड में कौन थे, फिर इंसान भूल जाते हैं, फिर इसके एग्जांपल आते हैं। इसके एग्जांपल का आपने याद करना होगा, एम्फीबिया की कौन से एग्जांपल है तो सिंपल है, रेप्टेलिया की भी एग्जांपल सिंपल है और मैमल की जो है वो भी सिंपल है। तो आपने इसको सिर्फ एग्जांपल वगैरह याद करने हैं, बाकी जो अब मैं बताने वाला हूँ वो बस इंशाल्लाह उस आप याद करोगे तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी और भूल नहीं पाओगे। तो इसका जो मैंने पहले बताया ना कि पीरियड वाइज हम किस तरह याद करेंगे कि ये कौन से पीरियड में फ्लोरिश हुआ था, डिवोनियन पीरियड में थे या मीसोजोइक या सीनोजोइक पीरियड में। तो ये मैंने इसके लिए ये फार्मूला बनाई है ना, ये जो मैंने पहले भी कहा था कि डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं DMC, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट हम यूज़ करते हैं। जब बंदा 9 से आता है 12 तक तो DMC के बारे में पूछते हैं, DMC कब आई, DMC आई कि नहीं आई है। तो अगर हम ऊपर देखें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी इसी तरह है, पहले क्लास एम्फीबिया के, इसके बाद क्लास रेप्टेलिया, इसके बाद क्लास मेमेलिया, 1, 1, 2, 3 इस तरह मैंने नंबरिंग दी है। और अगर हम इसको देखें DMC, तो पहले D आता है फर्स्ट पोजीशन पे, इसके बाद M आता है सेकंड, थर्ड पोजीशन पे C आता है। तो इसके अगर हम देखें तो फिर भूल नहीं पाओगे डिवोनियन पीरियड में कौन था, क्लास एम्फीबिया। ये तो आपको याद रहेगा ना कि कौन सी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसकी किया है, क्लास एम्फीबिया। सेकंड पोजीशन में M आता है तो क्लास रेप्टेलिया से बिलोंग करते हैं। मीसोजोइक पीरियड में कौन से थे, क्लास रेप्टेलिया, ये इसका पीरियड था। और इसके बाद रहा मेमेलिया, सीनोजोइक पीरियड में कौन से है, मेमेलिया। तो ये था आज का ट्रिक्स। तो इंशाल्लाह आप इस तरह याद करोगे तो इंशाल्लाह कभी भूल नहीं पाओगे, जिस तरह मैंने बताया इंशाल्लाह आपको याद रहेगा और इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड करोगे और इंशाल्लाह कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये था आज का ट्रिक, बस इंशाल्लाह दुआ में याद करना और अगर आपको समझ आओ तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।